आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। अंबानी जी शादी तो खुद के लड़के की कर रहे हैं, पर बाराती सारे वीआईपी आएंगे और बिल हम लोगों के नाम से फाड़ रहे हैं। इंसान की जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, और जब प्यार करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और जब आराम करने का समय आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती है आदमी को, और जब तक जिंदगी इंसान को समझ में आती है तब तक दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। सुनो। हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अरे रिचार्ज चाहे 1000 रुपया महीना हो जाए, तब भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से लेकर राशन कार्ड तक हर चीज ओटीपी से जुड़ गया है। अब कहाँ भागोगे? जियो के रेट तो बढ़ने ही थे। अरे जब 3-3 बार उस डमरू की शादी करवाओगे तो यही होगा। हेलो। और भाई क्या आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? नहीं भाई, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो उल्का पिंड गिर रहा है। दोस्तों खाली दिमाग तो शैतान का होता है, पर आप घबराएं मत, आपके दिमाग में तो भूसा भरा है। दोस्तों कोई भी काम इतना परफेक्ट मत करना कि वो बाद में आपकी ड्यूटी बन जाए। और हाँ, कूलर और फ्रिज में पानी तो बिल्कुल ना भरना, नहीं तो इस भीषण गर्मी में आपका क्या हाल होगा, वो तो राम ही जाने। हमारे घर की औरत ऐसे मर्द के सामने जबान नहीं चलाती है। तो तुम ना हमें थोड़ी देर के लिए मर्द समझ लो और अपनी जबान हमारे आगे मत चलाओ। आपको क्या लगता है हम गाँव की महिलाएं बाबू नहीं बोलते हैं? हम भी बाबू बोलते हैं। प्रणाम बाबूजी। यार ये बता, शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बड़ों ने ही सिखाया है कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, पर दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। यार ये बता, शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें बड़ों ने ही सिखाया है कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, पर दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। रात को बीबी से मेरा झगड़ा हुआ, सुबह बीबी गुस्से से नहीं उठी, फिर मैंने ही खुद बच्चों को नाश्ता कराया, स्कूल के लिए तैयार किया, बीबी बेड से मुझे घूरती रही, फिर मैंने बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकला, तो इतने में बीबी उठकर बोली, अरे भांग पी लिए हो क्या? आज संडे है। भाई ये बता, ये विकास क्या है? विकास क्या है? अरे पेड़ काट कर किताब बना देना, यही विकास है। और पतन क्या है? पतन क्या है? अरे फिर उन्हीं किताबों में ये लिखना कि पेड़ मत काटो, यही पतन है। औरतें बेचारी कितना काम करती हैं, ये खाना भी बनाती हैं, बर्तन भी धुलती हैं, झाड़ू पोछा भी करती हैं, कपड़े भी धुलती हैं, उसके बाद बच्चों को भी देखती हैं, फिर पति को भी देखती हैं, फिर टाइम निकाल कर इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती हैं, लेकिन एक काम नहीं कर पाती हैं, ये अपना मुंह नहीं बंद कर पाती हैं।